जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बल्लू बलराम आपको हमारे हम सबों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल बल्लू बलराम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय बाज़ार में अभी आए दिन कोई ना कोई कंपनी अपनी स्मार्टफोन लॉन्च करती रहती है, जो हर एक न्यू डिवाइस के साथ कोई एक न्यू फीचर या स्पेक्स जोड़ देती है। लेकिन अभी 2020 में आने वाले स्मार्टफोन 5G टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होगी। हाल ही में आज मैं आप लोगों को भारतीय बाज़ारों में लॉन्च होने वाली मोबाइल फ़ोन की कंपनी तथा उनके फीचर से अवगत कराऊंगा। जय हिंद। इस क्रम में मैं पहले दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की बात करने जा रहा हूं। इस फ़ोन की जो खासियत है उसके बारे में और इसकी जो फीचर्स क्या इस फ़ोन में नए लुक के साथ आएगी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यह फ़ोन जो है वह गैलेक्सी S21 सीरीज़ का एक पार्ट है, जो जिसे गैलेक्सी S21 प्लस और गैलेक्सी S21 के साथ जनवरी 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। और इस फ़ोन की खूबियों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो इस फ़ोन में जो खूबी है वह सबसे बड़ा इसके कैमरे को लेकर है। जैसा कि बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इस फ़ोन में 5 से 6 कैमरों के साथ से लॉन्च किया जाएगा। और इस फ़ोन में एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि इस फ़ोन को 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ एक धांसू ऑप्टिकल जूम फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस फ़ोन की कैमरा की बात करते हैं तो इस कैमरा की रेटिंग बहुत अच्छी है। 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। अब इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो अमूमन डिस्प्ले जो होता है मोबाइल का वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इस मोबाइल में जो है 6.9 इंचेस की डिस्प्ले होगी, जिससे बहुत ही फायदेमंद होगा। अब हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो इसकी स्टोरेज जो है 256 GB की होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी स्टोरेज 256 GB तक की हो सकती है। अब हम इसकी कैमरा की बात करते हैं तो इसकी कैमरा की जो 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ इसे बाज़ार में उछाला जाएगा। अब हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh बैटरी के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा, जिससे हमें कहीं भी किसी भी तरह की बैटरी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे इस फ़ोन को एक और पॉइंट मिल जाता है और यह बहुत ही आकर्षित रहने वाला है और लोगों के बीच भी यह आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। अब इसकी हम रैम की बात करते हैं तो रैम जो है इस फ़ोन में 12 GB तक की रैम दिया जा सकता है, जो कि एक लैपटॉप से भी डेस्कटॉप से भी यह बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है यह फ़ोन बहुत ही बेहतर होगी। अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसे भारतीय बाज़ारों में 82,325 रुपये तक लॉन्च किया जा सकता है।